दोस्तों, ये घटना अप्रैल 2013 की है, जब आयरलैंड के नेशनल म्यूजियम पर डाका डाला गया। चोरों ने वहां पर हीरे, मोती, जेवरात, इन सब चीजों को छोड़कर केवल गेंडे के चार सींग को चुराया। अब भाई ऐसा क्या खास है उन सींगों में, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, वहां से जो वो सींग चुराए गए थे, उनकी कीमत ब्लैक मार्केट में 6,50,000 मिलियन डॉलर थे। और इनके इतने महंगे होने का कारण है कुछ पुरानी मान्यताएं, जो ये बताती है कि गेंडे के सींग को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है और बुरी नजर भी हमसे दूर रहती है। इसके अलावा ये सींग बीमारी में औषधि के रूप में भी काम आता है। इसी कारण इन गेंडों का अंधाधुंध शिकार होता रहा, जिसके चलते ये विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन अब अफ्रीका में इन गेंडों की सुरक्षा के लिए हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए हैं, जो कि आसपास कोई हलचल होने पर सीधा गोली मारते हैं। और जब इन गेंडों का सींग बढ़ जाता है, तो वो सोल्जर्स उन गेंडों को बिना नुकसान पहुंचाए उन सींगों को हटवा देते हैं, ताकि कोई शिकारी सींग के लालच में इनका शिकार न कर पाए। और ये गेंडे अगर खुद भी आपस में लड़े, तो भी इन्हें कोई ज्यादा चोट न पहुंचे।